गंज बासुदा में सावित्री महिला मंडल के सहयोग से गंज बासुदा सूर्य लॉज में फिटनेस इंडिया और सकारात्मक सोच का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें मुख्य अतिथि के रूप में भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष राकेश जादौन, कार्यक्रम की अध्यक्षता वरिष्ठ समाज सेवी श्री कांति भाई जी शाह और विशेष अतिथि के रूप में भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष जितेंद्र मैना, जिला मंत्री चंद्रशेखर दुबे, युवा फिटनेस फिट इंडिया पर अपनी बात रखने वाले योगाचार्य सूर्य प्रकाश श्रीवास्तव, सकारात्मक सोच पर अपनी बात रखने वाले विश्व हिन्दू परिषद के कोषाध्यक्ष संदीप नेमा, आयुर्वेद विषय पर अपनी बात रखने वाले डॉ शैलेन्द्र शर्मा, विशेष अतिथि में मनोज गुप्ता, अशोक अग्रवाल, सुरेश, डॉ चंद्रशेखर शर्मा, रवि पटेल आदि लोग उपस्थित थे। कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती की पूजन और अतिथि स्वागत से हुआ। इसमें युवा किस तरीके से फिट रहे, डॉक्टर राकेश सिंह जादौन ने अपने वक्तव्य में बताया। उन्होंने कहा कि हम तभी स्वस्थ रह सकते हैं जब हम अपने आप को फिट रखेंगे, तभी हम स्वस्थ रह सकते हैं। और संदीप नेमा ने अपने उद्बोधन में कहा कि हमारी सोच सकारात्मक होना चाहिए। सकारात्मक सोच हमारे कार्य करने की क्षमता को बढ़ाती है। हमें आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। अगर हमारी सोच सकारात्मक है तो हम कभी भी पीछे नहीं रह सकते, हमेशा आगे बढ़ते जाएंगे। इसी तारतम्य में योगाचार्य सूर्य प्रकाश श्रीवास्तव ने कहा कि हर व्यक्ति को कम से कम 1 घंटे योग अवश्य करना चाहिए। ओम की ध्वनि से कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे श्री कांति भाई शाह ने अपने उद्बोधन में कहा कि मैं खुद 81 साल का हूं और सुबह 7 से लेकर 8 बजे तक मैं योग करता हूं और इस उम्र में फिट हूं। इसके अलावा लक्ष्मी शर्मा ने युवाओं को हनुमान जी की भूमिका समझाई और साथ ही पवन का मतलब हनुमान, आज की युवा शक्ति को पहचानने की उनकी शक्ति बहुत अधिक है, ऐसी तमाम तरह की बातें कही। कार्यक्रम का सफल संचालन देवांश सोनी ने किया, आभास समीक्षा शर्मा ने माना।